दिल्ली और मानसून की आंख मिचौली आखिरकार खत्म हो गई, जिसके बाद मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भी जान में जान आ गई, क्योंकि बार बार उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो रही थी। राजधानी में कल सुबह ही बादल घिराए और झमाझम बारिश हुई। राजधानी की तपती धरती पर बारिश की बूंदें पड़ी तो मौसम सुहावना हो गया। आज बुधवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बादल की आंख मिचौली जारी है, कभी धूप तो कभी बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली में अब 16 जुलाई तक ऐसे ही हल्की हल्की बारिश होगी, उसके बाद दिल्ली मूसलाधार बारिश के लिए तैयार रहे। दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश ने आम जनजीवन को मुश्किल बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और बादल फटने से आए सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी होने के बाद कुल्लू जिला प्रशासन ने सभी साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। हिमाचल के अलावा मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बिजली के साथ आंधी तूफान देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में गोवा, महाराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश होने को लेकर चेतावनी जताते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई और इसके पड़ोसी जिले ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। अगर बात झारखंड के मौसम की करें तो यहाँ के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के दौरान मेघ गर्जन होगा, इतना ही नहीं वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में आप मौसम खराब रहने पर सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। भूल कर भी पेड़ों के नीचे नहीं ठहरे। पानी वाले स्थानों से खासकर खेती कर रहे किसान सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।